फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल। आज का हमारा टॉपिक्स होने वाला है डिस्पर्सिव एंड डिस्पर्सिंग मीडियम एंड देन फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। इन चार चीज़ के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं डिस्पर्सिव एंड डिस्पर्सिंग मीडियम की। जैसे मैंने बताया था आपको लास्ट वीडियो में, जैसे सॉल्यूशन होता है उसको हम डिवाइड कर देते हैं उसके कंपोनेंट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट में। इसी तरीके से हम कोलॉइड को डिवाइड करते हैं उसके कंपोनेंट, दैट इज डिस्पर्सिव एंड डिस्पर्सिंग मीडियम। तो इसको एक हम टेबल के थ्रू समझेंगे। फर्स्ट कॉलम होगा हमारा डिस्पर्स फेज। डिस्पर्स फेज को एज अ सॉल्यूट भी जाना जाता है। डिस्पर्सिंग मीडियम, जिसको एज अ सॉल्वेंट भी जाना जाता है। जब हम डिस्पर्स फेज को डिस्पर्सिंग मीडियम में डालेंगे उसके बाद हमारा क्या बनेगा, उसका क्या नाम दिया गया, उसको हम टाइप में डालेंगे। देन हम उसका वो टाइप है उसका एग्जाम्पल क्या होगा, ये चार कॉलम हमको धीरे धीरे करके डिस्कस करेंगे। तो पहले हम डिस्पर्स फेज में बात करते हैं। अगर हमारा लिक्विड डिस्पर्सिंग मीडियम यानी गैस, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं लिक्विड इन गैस, क्योंकि गैस क्या हमारा सॉल्वेंट और लिक्विड को हम किस में डाल रहे हैं, गैस। तो हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, यानी लिक्विड इन गैस जब हम डालते हैं तो हमारा टाइप क्या बनता है, बनता है एरोसोल। यानी लिक्विड इन गैस हमारा एरोसोल बनता है, यानी ऐसी जगह जहाँ पे गैस कम, गैस ज़्यादा है लिक्विड कम होगा। हम अगर देखें फोग हुआ हमारा, मिस्ट हुआ हमारा, और हम बात करें क्लाउड्स की, तो यहाँ पर क्या होगा, हम गैस को ज़्यादा देखेंगे और लिक्विड को कम देखेंगे। नाउ बात करें हम सॉलिड इन गैस, इसको भी हम एरोसोल में डालते हैं, इसका टाइप भी क्या कहलाता है हमारा, एरोसोल। लेकिन अगर हम देखें ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, यानी जो फैक्ट्रीज होती है उसके अंदर सॉलिड पार्टिकल्स भी गैस में निकलते हैं, तो उस चीज़ को बोला गया। या फिर हम बोल सकते हैं एयर हो गई जिसमें डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, हम उसको भी बोल सकते हैं। ना बात करते हैं गैस इन लिक्विड, जहाँ पर लिक्विड ज़्यादा और गैस कम हो, इसको हम बोलते हैं फोम। अब एग्जांपल देखें जो हमारी शेविंग क्रीम होती है, तो शेविंग क्रीम में क्या होता है, लिक्विड ज़्यादा होता है और गैस कम होती है, ऐसा आपने भी ऑब्जर्व करा होगा। इसलिए इसको हम किस में डालते हैं, शेविंग जो टाइप है फोम। नाउ नेक्स्ट हम देखें लिक्विड इन लिक्विड, जिसको नाम दिया जाता है एमल्शन का। इसमें हम देख सकते हैं एग्जांपल मिल्क, तो मिल्क में क्या होता है वाटर, एंड हम प्योर मिल्क की बात कर सकते हैं या फिर फेस क्रीम की बात कर सकते हैं, उसमें भी यही चीज़ होती है। लाइक जैसे ऑयल एंड और भी हमारे लिक्विड सब्सटेंस मिलाए जाते हैं तो फेस क्रीम भी आ जाती है। नाउ नेक्स्ट बात करें हम जैसे कि सॉलिड इन लिक्विड। नाउ जब हमारे लिक्विड ज़्यादा सॉलिड कम हो, ऐसे को हम डालते हैं सॉल्व। तो हम देखते हैं डेली लाइफ में, मर्ड देखते हैं, कीचड़ देखते हैं, उसमें लिक्विड क्या होती है, ज़्यादा होती है, और जो हमारे स्टोन या थोड़े बहुत सैंड पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे की तरफ होते हैं, बैठ जाते हैं उसमें, तैरते रहते हैं, तो वो कम होते हैं। इसलिए मर्ड को हम किस में डालते हैं, सॉलिड इन लिक्विड कोलाइडर सॉल्यूशन में। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं जब गैस इन सॉलिड, यानी सॉलिड भी हो और सॉलिड में क्या हो हमारी गैस मिक्स हो, इसको किस में डालते हैं, फोम में डालते हैं। इसका टाइप क्या हमारा, फोम है। नाउ हम बात करें जैसे कि हमारा स्पंज होता है, तो स्पंज में क्या बीच में क्या है, पोर्स होते हैं जिसकी वजह से उसके अंदर एयर भी आ जाती है, बट वो होता क्या है, सॉलिड होता है। इस वजह से उसको सॉलिड जो है वो ज़्यादा है और एयर क्या, गैस क्या हमारी कम है। प्यूमिस स्टोन की बात करें, जो हमारा पत्थर होता है उसके अंदर भी हमारे पोर्स होते हैं, और तो उसको भी हम क्या इसमें डालते हैं, वो इसका एग्जाम्पल है। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं लिक्विड इन सॉलिड। जब लिक्विड हमारा सॉलिड में डाला जाता है तो उसको नेम दिया जाता है जेल का। जैसे कि हम बात करें जेली की, तो जेली क्या हमारा इसका एग्जांपल आती है, या फिर हम बात करें बटर हो गया, चीज़ हो गया, वो सब इसके अंदर आता है। ना हम देखें तो लास्ट होगा हमारा सॉलिड इन सॉलिड, जिसको हम सॉलिड सोल का नाम देते हैं। तो सॉलिड सोल का एग्जांपल अगर हम देखें तो वो है हमारा कलर्ड जेमस्टोन। जो हमारे कलर्ड जेमस्टोन होते हैं उसमें जो हमारे सॉलिड और सॉल्वेंट यानी डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सिंग मीडियम दोनों क्या होते हैं, हमारे सॉलिड होते हैं। हमने देखा हमारा लिक्विड इन लिक्विड भी था, सॉलिड इन सॉलिड भी था, बट गैस इन गैस नहीं था। क्यों नहीं था, क्योंकि वो हमारे एक होमोजीनियस मिक्सचर आ जाता है, और जो हमारे कोलाइडर सॉल्यूशन है हेटेरोजीनियस मिक्सचर्स को दिखाता है। इसलिए हम इसमें हमारा क्या किसका कॉलम लिया, गैस इन गैस का। ये क्वेश्चन कभी कभी पेपर्स में भी पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे जो हमारा डिस्पर्स फेज था, डिस्पर्सिंग मीडियम टॉपिक था, वो यहाँ पर एंड होता है। बात करते हैं फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज की। तो सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल चेंज क्या होता है। जो हमारा फिजिकल चेंज होता है यानी कोई भी सब्सटेंस उसकी फिजिकली उसकी प्रॉपर्टी चेंज होना, जैसे कि उसका शेप, कलर, साइज, रिजिडिटी एंड मैनी मोर थिंग्स विच आर उसकी फिजिकल चीज़ों को दिखाती है। तो ये हमारा इन सब में चेंज होना वो फिजिकल प्रॉपर्टी कहलाता है। लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, जब उसके केमिकली कोई चेंज होता है, यानी
वो एक न्यू सब्सटेंस को फॉर्म करता है, जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन। तो जब हमने आयरन पे जंग लगा तो वो क्या आयरन नहीं रहा, और उसका जो केमिकल कंपोजिशन है वो चेंज हो गया। लेकिन वही हम बात कर रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टी के, कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है, उसकी केमिकल कंपोजिशन भी सेम रहती है जैसे वो पहले थी, अब भी वही रहेगी। लेकिन बात करें केमिकल, अब केमिकल में अगर हम बात करें केमिकल चेंज में, तो वहाँ पर क्या होता है हमारा, ये इरिवर्सिबल होते हैं, यानी इसमें क्या है जो हमारा सब्सटेंस है वो वापस नहीं आ सकता। लेकिन जो हमारा फिजिकल चेंज होता है उसमें वो रिवर्सिबल होते हैं, यानी हमारा जो सब्सटेंस है जो हमारा पहले था वो हमें वापस मिल सकता है। मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ, जैसे कि आइस का मेल्ट होना, वाटर में चेंज हो जाना, ये क्या फिजिकल चेंज है। लेकिन वाटर से हम दोबारा आइस को ले सकते हैं, तो ये हमारा फिजिकल चेंज हुआ। लेकिन वहीं रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है, आयरन को एक बार रस्ट हो गया तो वो क्या है, दोबारा से रस्टिंग ऑफ आयरन जो रस्ट है वो ठीक नहीं हो सकता, और हमें अच्छा वो जो आयरन हमारे पास पहले था वो नहीं मिलेगा। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे इसके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।